नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड के बुलेटिन की। हरिद्वार में जिला प्रशासन की ओर से दूसरे राज्यों के जिलों को गंगाजल भेजा जा रहा है। अब तक हरिद्वार से दिल्ली और हरियाणा के लिए गंगाजल के 4 टैंकर रवाना हो चुके हैं। आज जिलाधिकारी सी रविशंकर ने मेला नियंत्रण भवन से यमुनानगर जिले के लिए रवाना किए गए गंगाजल के टैंकर को हरी झंडी दिखाई। जिलाधिकारी ने कहा कि कांवड़ियों का हरिद्वार आना प्रतिबंधित है, लेकिन लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मांग के अनुसार गंगाजल भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि कुछ धार्मिक और सामाजिक संगठन भी गंगाजल भेजने में सहयोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार कांवड़ मेला रद्द किया गया है। तो जानकारी हरिद्वार से सामने आई, जहां पर गंगा जल अब लोगों के घरों तक पहुंचाया जाएगा। जी हां, उत्तराखंड पहले ही ये कह चुका है। दरअसल उत्तराखंड सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि हरिद्वार में कांवड़ मेला नहीं लगेगा और कांवड़ यात्रा नहीं होगी। इस वजह से जो श्रद्धालु थे, जो कांवड़िए थे, वो काफी ज्यादा मायूस नजर आ रहे थे। तो ऐसे में अब हरिद्वार में जिला प्रशासन ने ये पहल की है कि उनकी ओर से दूसरे राज्यों के जिलों को गंगा जल भेजा जा रहा है। जी हाँ, अब तक हरिद्वार से दिल्ली और हरियाणा के लिए गंगा जल के 4 टैंकर भेजे जा चुके हैं। और इसी कड़ी में आज जिलाधिकारी सी रविशंकर ने मेला नियंत्रण भवन से यमुनानगर जिले के लिए रवाना किए गए गंगाजल के टैंकर को हरी झंडी दिखाई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांवड़ियों का हरिद्वार आना तो प्रतिबंधित है, लेकिन हमें लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखना है और इसी वजह से गंगाजल उन राज्यों को भेजा जा रहा है जो यहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। उनका कहना है कि धार्मिक और सामाजिक संगठन भी गंगाजल भेजने में सहयोग कर रहा है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार कांवड़ मेला रद्द कर दिया गया। कांवड़ मेला इस साल जो है कोविड के मद्देनजर स्थगित होने के कारण यहाँ पे जो है हरिद्वार से हम लोग विभिन्न जो बॉर्डर जनपदों हैं यूपी और हरियाणा में, जो वहाँ पे हम लोग गंगा जल टैंकर्स के माध्यम से भेज रहे हैं और बॉर्डर्स में भी जो है 10 टैंकर्स जो है पहुँचा रखे हैं और करीब 4 जनपदों में जो है अभी तक गंगा जल जो है टैंकरों के माध्यम से सप्लाई हो चुका है। फिलहाल ये बॉर्डर्स में जो है काफ़ी डिमांड भी हो रही है और आज ही जो है बताया जा रहा है कि लगभग 40 जो है टैंकर्स जो है टोटली अभी तक भेजा है करके। तो इसी प्रकार का जो है धार्मिक भावनाओं को भी जो है संज्ञान में रखते हुए और कोविड का भी मद्देनजर रखते हुए गंगा जल जो है वेरियस जगह में पहुँचाया जा रहा है ताकि यहाँ पर हरिद्वार में कांवड़ियों का जो आवागमन जो है रेस्ट्रिक्टेड हो। हरिद्वार ड्रग इंस्पेक्टर अनिता भारती ने हरिद्वार के औरंगाबाद में क्लिनिक को सीज कर दिया, जिससे क्षेत्र के क्लिनिक संचालकों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही ड्रग इंस्पेक्टर ने शीर्ष क्षेत्र में क्लिनिक और मेडिकल स्टोर के लिए एक अभियान चलाया था, जिस पर एक क्लिनिक संचालक को जरूरी दस्तावेज न दिखाने पर क्लिनिक पर ताला लगा दिया गया और क्लिनिक से दस्तावेज दिखाने को कहा गया था, लेकिन क्लिनिक संचालक ने दबंगई दिखाते हुए ताला तोड़ दिया और फिर से क्लिनिक संचालित करने लगा। वहीं अब इस पूरे मामले पर ड्रग इंस्पेक्टर ने हरिद्वार सीएमओ को जानकारी दी है, जिसके बाद सीएमओ के निर्देश पर डिप्टी सीएमओ और ड्रग इंस्पेक्टर ने संयुक्त रूप से मौके पर पहुंचकर छापेमारी की और कार्रवाई कर क्लिनिक को सीज कर दिया है। तो पूरा मामला हरिद्वार का है, जहां पर ड्रग इंस्पेक्टर अनिता भारती ने बड़ी कार्रवाई की है और कई ऐसे क्लिनिक है जहां पर जो दवाएं हैं वो सही तरीके से नहीं बेची जा रही थी, उनको सील कर दिया है। तो हरिद्वार का ही पूरा मामला, जहां पर हरिद्वार के औरंगाबाद में क्लिनिक को सीज कर दिया गया है, जिससे क्षेत्र के तमाम जो क्लिनिक संचालक हैं उनमें हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कुछ दिन पहले भी इस तरह की कार्रवाई की थी, जिसकी वजह से कई मेडिकल स्टोर को सीज कर दिया गया था और ऐसे में कई ऐसे लोग भी थे जो क्लिनिक चला रहे थे लेकिन उनके पास जरूरी दस्तावेज नहीं थे, जिन पर ताला लगा दिया गया और क्लिनिक से दस्तावेज दिखाने को कहा गया है। जो वहां के संचालक है उनसे लगातार कार्रवाई करने के लिए कहा जा रहा है कि वो इसमें पूरी तरह से सहयोग करें, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसे क्लिनिक संचालक हैं जो दबंगई दिखाते हैं, ताला तोड़ देते हैं और फिर से क्लिनिक संचालित करने लग जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि हरिद्वार से पूरी तरह से कार्रवाई करने की जिम्मेदारी जो है वो ड्रग इंस्पेक्टर भारती को दे दी गई है, जिसके बाद अब पूरी तरह से काम किया जा रहा है। औरंगाबाद में मेरे द्वारा 3-4 दिन पहले ही विजिट किया गया था। वहाँ के कुछ क्लिनिक्स जो कि बिना नाम के और बिना चिन्हित किए चल रहे थे, उनको हिदायत दी गई थी कि जब तक वो अपना लाइसेंस या फिर अपना चिकित्सा अभ्यास संबंधित दस्तावेज कार्यालय को प्रस्तुत नहीं करेंगे तब तक अपना क्लिनिक का संचालन नहीं करेंगे, और 3-4 दुकानें मेरे द्वारा बंद कर दी गई थी। और एक दुकान ऐसी थी कि जिसने सेम डे अपनी दुकान का ताला तोड़कर क्लिनिक का संचालन किया और मेरी आज्ञा का
अनुपालन नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में आज मेरे द्वारा सीएमओ हरिद्वार को सूचित करते हुए कि एक क्लिनिक संचालक के द्वारा जो है क्लिनिक की आड़ में जो है दवाइयों के साथ साथ जो है लैब भी चलाई जा रही है। अब उनके द्वारा मेरे साथ जो है डॉक्टर पंकज जैन को भेजा गया और हमने मौके पे जाकर देखा तो दुकानदार जो है दुकान खुली छोड़ के भाग चुका था और वहां पे लैब का संचालन भी हो रहा था, दवाइयां पूरी रखी हुई थी। फिलहाल जो है क्लिनिक को सील कर दिया गया है। हरिद्वार प्रशासनिक भवन से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर चल रहा अवैध खनन अब दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। खनन माफिया बेखौफ होकर अवैध खनन का काला कारोबार चला रहे हैं। रात को अंधेरा होते ही ये काला कारोबार शुरू हो जाता है और सुबह सूरज की पहली किरण पड़ने से पहले तक इन खनन माफियाओं का खेल चलता रहता है। गौर करने वाली बात तो ये है कि मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर बैठे प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगती और ये खनन माफिया बेधड़क बिना किसी नियम कानून की परवाह किए अवैध खनन का लाखों करोड़ों का कारोबार कर रहे हैं। इसकी जानकारी मिलने पर उप जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने नव नियुक्त तहसीलदार गिरीश त्रिपाठी को वहां पहुंचकर कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद कल रात तहसीलदार गिरीश त्रिपाठी अपनी टीम के साथ हो रहे अवैध खनन पर कार्रवाई करने के लिए पहुंचे। लेकिन इन खनन माफियाओं के तार इतने मजबूत हैं कि जैसे प्रशासनिक अधिकारी कार्रवाई के लिए निकलते हैं उससे पहले इन खनन माफियों को इसकी सूचना मिल जाती है, जानकारी मिल जाती है। तहसीलदार गिरीश त्रिपाठी ने कहा है कि क्षेत्र में अवैध खनन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस प्लॉट में खनन माफियों के द्वारा अवैध खनन कर मिट्टी का भराव किया गया उस प्लॉट की जांच भी की जाएगी। खनन माफिया पूरी तरह से अलर्ट नजर आते हैं और उत्तराखंड के कई जिले ऐसे हैं जहां पर खनन माफिया पूरी तरह से सक्रिय नजर आते हैं और करोड़ों का चूना जो है वो राजस्व को लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ताजा मामला हरिद्वार से सामने आया है जहां पर प्रशासनिक भवन से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर अवैध खनन लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खनन माफिया बेखौफ होकर अवैध खनन का काला कारोबार चला रहे हैं। रात के अंधेरे में ही ये काला कारोबार शुरू हो जाता है और सुबह जब सूरज की पहली किरण पड़ने से पहले तक इन खनन माफियाओं का खेल चलता रहता है। लेकिन गौर करने वाली बात ये यहाँ है कि मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर बैठे प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगती है। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी माना गया है कि प्रशासन यानी कि कुछ पुलिस कर्मियों की मिलीभगत से खनन माफिया बेधड़क होकर बिना किसी नियम कानून की परवाह किए अवैध खनन का लाखों करोड़ों का कारोबार कर रहे हैं। इसकी जानकारी मिलने पर उप जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने नवनियुक्त तहसीलदार गिरीश त्रिपाठी को कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिसके बाद देर रात वो पहुंचे लेकिन उससे पहले ही खनन माफियों को इसकी बात जानकारी लग गई कि वहां पर पुलिस टीम गश्त करने के लिए आ रही है। उत्तरकाशी में बारिश के चलते तो लोगों का जीवन अस्त व्यस्त है ही, साथ ही जिले की विद्युत सेवा भी ठप पड़ी हुई है, जिसके चलते लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां एक ओर लोगों में बारिश का खौफ है तो वहीं दूसरी ओर विद्युत सेवा भी बंद है, जिससे जिले में हर ओर काला घना अंधेरा छाया हुआ है। आपको बता दें कि उत्तरकाशी में ऐसे कई जगह है जहां छोटे बड़े गधेरे अचानक से बह जाते हैं। वहीं अंधेरे के चलते लोगों को किसी अनहोनी का डर भी सता रहा है। आपको बता दें कि पहाड़ों में इन दिनों बारिश, बादल फटने की घटनाएं, पहाड़ दरकने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में उत्तर काशी के लोगों को बारिश के साथ साथ कुछ और मूलभूत सुविधाओं से भी जूझना पड़ रहा है, जिसमें कुछ चीजें शामिल हैं। इसमें सबसे पहले विद्युत सेवा, जी हाँ, विद्युत सेवा जो है वो पूरी तरह से जिले में ठप पड़ी हुई है, जिसके चलते लोगों को कई तरह की परेशानियों का, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक तरफ बारिश का खौफ है तो दूसरी तरफ विद्युत सेवा भी पूरी तरह से बंद है, जिससे जिले में हर ओर काला अंधेरा छाया हुआ है। ऐसे में लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो रात के अंधेरे में कई ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं जो कि पूरी तरह से लोगों के हित में नहीं है। ऋषिकेश से कुछ दूरी पर पौड़ी क्षेत्र में बह रही बीन नदी लोगों के लिए आफत बन गई है। दरअसल लगातार हो रही बारिश से बीन नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे नदी उफान पर है, जिसके चलते हरिद्वार से चीला मार्ग से ऋषिकेश की ओर आने वाला एक कैंबर बीच नदी में फंस गया। गनीमत यह रही कि समय रहते कैंबर चालक को रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया गया, जिससे कैंबर चालक की जान बच पाई। वहीं नदी का जलस्तर बढ़ने से करीब 80 गांवों को पूरी तरह से संपर्क जो है वो टूट गया है मुख्यालय से। इसके साथ ही किसी तरह आवाजाही करने वाले वाहन भी उफनती नदी के चपेट में आकर डुबकी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कोई भी बड़ा हादसा होने की संभावना लगातार बनी हुई है। हालांकि नदी के दोनों ओर ग्रामीणों द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी कर गाड़ियां पार करवाने की सुविधा चलाई जा रही है, पर फिर भी हादसे की संभावनाएं लगातार बनी हुई है। तो उफनती नदियां लगातार मुसीबत का सबब बनी हुई है। तमाम ऐसे जिले हैं उत्तराखंड के जो पूरी तरह से परेशान हैं। ऐसे में ऋषिकेश में भी
पौड़ी क्षेत्र में बह रही बीन नदी लोगों के लिए आफत बन गई है। लगातार हो रही बारिश से बीन नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जो आसपास के गांव हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते हरिद्वार से चीलामार से ऋषिकेश की ओर आने वाला एक कैंबर बीच नदी में फंस गया। गनीमत रही कि समय रहते कैंबर चालक को रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया गया, जिससे कैंबर चालक की जान बच पाई। वहीं नदी का जलस्तर बढ़ने से करीब 80 गांव का संपर्क मुख्यालय से टूट गया है, आवाजाही पूरी तरह से बाधित है, लोगों को तरह तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तरकाशी में रात भर हुई भारी बारिश के चलते जिले में कई जगहों पर भारी नुकसान हुआ है। दरअसल बारिश के चलते गंगोत्री नेशनल हाईवे बथेड़ी के पास बियारों का पुस्ता टूट गया। वहीं पुस्ता टूटकर दो आवासीय भवनों पर गिरा, जिससे दोनों घर भारी भरकम पुस्ते के नीचे दब गए। हालांकि आसपास के लोगों ने घर की दीवार तोड़कर परिवार को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं भारी बारिश के चलते मतली में एक परिवार के दो खच्चरों की मलबे में दबने से मौत हुई, तो वहीं टूंडा विकासखंड के ब्रह्मखाल गेवला गांव में एक आवासीय भवन भी क्षतिग्रस्त हो गया। इसके साथ ही गंगोत्री नेशनल हाईवे धरासू से उत्तरकाशी तक जगह जगह पूरी तरह से बाधित रहा। तो इस तरह के हालात पूरे पहाड़ों में बने हुए हैं और उत्तराखंड के कई जिलों में लगातार उफनती नदियां और पहाड़ दरक रहे हैं, जिसकी वजह से आम जन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कईयों के आशियाने पूरी तरह से ढह गए हैं, कई मवेशी इस पूरी आपदा में जान गंवाते हुए नजर आए हैं। दरअसल उत्तरकाशी में रात भर हुई बारिश के चलते जिले के कई जगहों पर भारी नुकसान हुआ, जहां पर गंगोत्री नेशनल हाईवे बथेड़ी के पास बियारों का पुश्ता टूट गया और पुश्ता दो आवासीय भवनों पर गिर गया, जिससे लोगों को तो सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया लेकिन भवन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ऐसे में लोगों के सामने अब नई जगह आशियाना तलाशने की एक समस्या जो है खड़ी हुई है। हरिद्वार में जिलाधिकारी सी रविशंकर ने अस्थि विसर्जन करने वाले यात्रियों के लिए SOP जारी कर दिया है। आपको बता दें कि COVID-19 संक्रमण के खतरे को देखते हुए कांवड़ यात्रा को भी रद्द कर दिया गया, लेकिन कांवड़ यात्रा रद्द होने के बावजूद भी श्रद्धालु भारी संख्या में रोजाना हरिद्वार पहुंच रहे हैं। अस्थि विसर्जन करने वालों की है, वहीं बुधवार को अहमदाबाद गुजरात से अस्थि विसर्जन करने के लिए आए 6 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं अब जिलाधिकारी सी रविशंकर द्वारा जारी की गई SOP के अनुसार हरिद्वार में अस्थि विसर्जन करने के लिए एक साथ 4 ही लोग आ पाएंगे और सभी लोगों के लिए COVID-19 रिपोर्ट जो नेगेटिव होगी या वैक्सीन लगवाने का प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा। अब अगर आप उत्तराखंड आते हैं अस्थि विसर्जन करने के लिए तो आपको पूरी तरह से आपकी जांच होनी चाहिए, जो कि रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए, साथ में आपको वैक्सीन लगी है तो ही आप आ सकते हैं और एक साथ में सिर्फ 4 लोग ही अस्थि विसर्जन करने के लिए हरिद्वार में प्रवेश कर सकते हैं। ऐसा हरिद्वार में जिलाधिकारी सी रविशंकर ने अस्थि विसर्जन करने वाले यात्रियों के लिए SOP जारी कर दी है। COVID-19 संक्रमण के खतरे को देखते हुए कांवड़ यात्रा भी रद्द कर दी गई है, लेकिन कांवड़ यात्रा रद्द होने के बावजूद भी श्रद्धालु भारी संख्या में रोजाना हरिद्वार पहुंच रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में अस्थि विसर्जन करने वालों की कतार देखी जा सकती है। तो ऐसे में आपको नेगेटिव रिपोर्ट भी लानी होगी, साथ ही साथ वैक्सीन आपने लगवाई है तो वो भी रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए, तभी आप हरिद्वार में अस्थि विसर्जन करने के लिए प्रवेश कर सकते हैं। लालकुआ जिले और इसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे अवैध नशे के कारोबार को लेकर बिंदु खत्ता की दर्जनों महिलाओं ने कांग्रेस महिला नेत्री और प्रदेश प्रवक्ता वीना जोशी के नेतृत्व में कोतवाली पहुंचकर मौजूदा वरिष्ठ उपनिरीक्षक रोहताश कुमार सागर का घेराव कर उन्हें ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने अवैध नशे के कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग के साथ ही चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान बिना जोशी ने कहा है कि लालकुआं सहित इसके ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध नशे का कारोबार तेजी से फैल रहा है, जिससे युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है और क्षेत्र में आपराधिक वारदातों के साथ साथ महिला उत्पीड़न की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं, जिससे परिवार बर्बाद हो रहे हैं। उनका कहना है कि पुलिस को क्षेत्र में अवैध नशे के कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज उनके द्वारा ज्ञापन सौंप दिया गया है, इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा अगर जल्द ही पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की गई तो क्षेत्र की महिलाएं उग्र आंदोलन को बाध्य होंगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। लालकुआ में महिलाओं द्वारा ये प्रदर्शन किया गया है, ज्ञापन भी सौंपा गया है। दरअसल नशे का कारोबार क्षेत्र में लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से महिलाएं बाहर निकली हैं और इसका विरोध करती हुई नजर आ रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे अवैध नशे के कारोबार को लेकर बिंदु खत्ता की दर्जनों महिलाओं ने कांग्रेस महिला नेत्री और प्रदेश प्रवक्ता वीना जोशी के नेतृत्व में कोतवाली पहुंचकर मौजूदा वरिष्ठ उपनिरीक्षक रोहताश कुमार सागर का घेराव कर उन्हें ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है कि युवा लगातार नशे से ग्रस्त हो रहे हैं, नशे का कारोबार क्षेत्र में लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से चोरी जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं, महिलाओं के साथ अभद्रता बढ़ रही है, तो ऐसे में जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, वरना युवा पीढ़ी पूरी तरह से बर्बाद होती हुई नजर आएगी।
आज हम सब महिलाएं बिंदुखत्ता की यहाँ पर नशे के खिलाफ, जो बिंदुखत्ता में कई तरीके के नशे की का व्यापार जो चल रहा है और जिससे हमारे युवा बिगड़ रहे हैं, तो हम सब माताएं जो हैं पुलिस निरीक्षक जी के पास पे आए हैं और ज्ञापन दिया है उन्हें कि किसी तरीके से बिंदुखत्ता में, बिंदुखत्ता क्या मैं तो कहती हूँ, पूरे क्षेत्र में शराब का नशे का कारोबार जो है बिल्कुल बंद होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे युवा नशे की गर्त में जाते जा रहे हैं और हर घर बर्बाद हो रहा है। और कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहते कि हमारा बच्चा नशे की गिरफ्त में आए, और इसके लिए हमने आज पुलिस निरीक्षक जी को यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है। हमने उन्हें ज्ञापन में ये लिख करके दिया है कि पहले तो इस पर आप कार्रवाई करिए, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम क्षेत्र की सभी महिलाएं इसके लिए नशे के खिलाफ उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगी। ऋषिकेश में हंस फाउंडेशन के संस्थापक भोले जी महाराज के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन भरत मंदिर के सभागार में किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आयोजन स्थल पर पहुंचे और अरविंद काटकर रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। इसके साथ ही भारत मंदिर परिवार की ओर से भगवान भरत की फोटो देकर स्वास्थ्य मंत्री को सम्मानित भी किया गया। आपको बता दें कि शिविर में 250 यूनिट रक्त एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया है कि दिसंबर तक उत्तराखंड में 100% लोगों का वैक्सीनेशन कर लिया जाएगा। ये भोले जी महाराज जी का जो जन्म दिवस हम लोग मना रहे हैं, कल उन्होंने 30 एम्बुलेंस हमारी सरकार को दी है और आज उन्होंने एक बड़ा ब्लड डोनेशन ऋषिकेश में कार्यक्रम रखा है। भोले जी महाराज जी को मैं उनके जन्मदिन पे और माता मंगला जी को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूँ कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर साल वो पूरे उत्तराखंड में 300-400 करोड़ रुपये खर्च करते हैं और उससे राज्य सरकार को भी काफ़ी राहत मिली। यह भारतीय जनता पार्टी ने सेवाई संगठन कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे प्रदेश में रक्तदान के शिविर लगाए और आज मैं कह सकता हूँ कि मैं भी पूरा गढ़वाल भ्रमण किया, कुमाऊँ भ्रमण किया, कहीं पर भी रक्त की कोई कमी नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो परिस्थितियाँ चल रही हैं, जो कोविड काल चल रहा है, ऐसे में ज़रूर मुझे लगता है कि रक्त की कभी भी आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि कई बार ये होता है कि जो ऑपरेशंस होते हैं वो कोविड के कारण नहीं हुए और अब जब कोविड कुछ कम हुआ है तो ऑपरेशंस होंगे। उत्तराखंड मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं पौड़ी जिले में मौसम विभाग के पूर्वानुमान का असर दिखना भी शुरू हो गया है। जिले में तेज बारिश देखने को मिल रही है। वहीं बारिश के कारण ग्रामीण क्षेत्रों की कई सड़कें भी बाधित हो गई हैं। हालांकि पौड़ी गढ़वाल प्रशासन लगातार सड़क मार्गों को खोलने में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने राज्य के 5 जिलों में 29 जुलाई को अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताई है। तो मौसम विभाग लगातार अलर्ट कर रहा है। उत्तराखंड में बीते कई दिनों से भारी बारिश हो रही है और एक बार फिर से मौसम विभाग ने पौड़ी जिले में पूर्वानुमान का असर दिखना शुरू हो गया है। जो यहाँ पर बारिश लगातार हो रही है, जिले में तेज बारिश देखने को मिल रही है। कई जगह पर तेज बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों की कई सड़कें बाधित हो गई हैं। पौड़ी गढ़वाल प्रशासन लगातार सड़क मार्ग को खोलने में जुटा है, लेकिन उसके बाद भी कई सड़कें ऐसी हैं जो पूरी तरह से बाधित हैं। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने राज्य के 5 जिलों में 29 जुलाई को अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताई है। बादराबाद के सुमनगर में वन भूमि पट्टी पर भूमाफियाओं द्वारा किए गए अवैध कब्जे पर वन विभाग के द्वारा कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि सुमनगर क्षेत्र में भूमाफियाओं के द्वारा वन विभाग की भूमि पर अवैध कब्जे किए जाने की खबर को प्राथमिकता के साथ चलाए जाने पर वन विभाग द्वारा होल्डिंग बैनर ध्वस्त कर दिए गए थे। साथ ही वन विभाग की जिस भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा काटी गई कॉलोनियों के रास्ते को जोड़ दिया गया था, उन रास्तों पर भी जेसीबी की मदद से खाई खोद दी गई है। लेकिन वन विभाग के द्वारा की गई इस कार्रवाई में कोई भी कार्रवाई ऐसी नहीं की गई जिससे भूमाफियाओं पर इसका कोई असर देखने को मिले, क्योंकि जिस प्रकार से वन विभाग की टीम के द्वारा भूमाफियाओं के होल्डिंग को उखाड़ दिया गया, उसके बावजूद उन होल्डिंग को ज्ञाप्त नहीं किया गया और ना ही किसी प्रकार का कोई नोटिस भूमाफियाओं को दिया गया है। जबकि भूमाफियाओं के द्वारा वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण कर रास्तों का निर्माण कर दिया गया, इसके बावजूद भी उन पर कोई कार्रवाई ना किया जाना कहीं ना कहीं वन विभाग पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। हालांकि वन अधिकारियों और नीरज कुमार डीएफओ हरिद्वार का कहना है कि अगर इसके बाद भी किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण किया जाता है तो आगे भी कार्रवाई करते रहेंगे। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने आज वेद मंदिर आश्रम हरिद्वार से हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के लगभग 22.55 लाख की लागत से तैयार की गई 2 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा है कि हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लालडांग और फेरुपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ये एम्बुलेंस खड़ी रहेंगी। जिस किसी को भी इनकी आवश्यकता होगी वो फोन करेंगे तो तत्काल उन्हें एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जाएगी। उनका कहना है कि इससे जनता को काफी मदद मिलेगी और कम समय में भी उन्हें
एम्बुलेंस मिल सकेगी ताकि वो अपने परिजनों का इलाज करा सके। मैंने अपने क्षेत्र को दो एम्बुलेंस दी है, एक तो लाल डैंग जो हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, एक दूसरा हमारा स्वास्थ्य केंद्र फेरूपुर के अंदर है, एक फेरूपुर गांव के अंदर और एक लाल डैंग के अंदर जो हमारे स्वास्थ्य केंद्र है, ये एम्बुलेंस उन पर खड़ी रहेंगी और जिसको भी आवश्यकता होगी वो वहां पर फोन करेंगे और तुरंत एम्बुलेंस उनके घर पहुंचेगी और जो मरीज उसमें आएगा उसको उचित स्थान पर पहुंचाने का काम करेंगे। सिडकुल थाना क्षेत्र के ग्राम रावली महदूद में मोबाइल छीन कर रफू चक्कर होने वाले दो लोगों को स्थानीय नागरिकों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार रावली महदूद क्षेत्र में लंबे समय से पकड़े गए अभियुक्तों द्वारा अपने आप को फैक्ट्रियों का ठेकेदार बताकर लोगों के मोबाइल में अपना नंबर फीड करने के बहाने फोन लेकर रफू चक्कर हो जाने के कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद की स्थानीय लोग काफी समय से इन लोगों की तलाश में थे, जिसके चलते आज दो लोगों को स्थानीय नागरिकों द्वारा पकड़ लिया गया, जिसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई, जिसके बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों अभियुक्तों को अपने साथ थाने ले आई। बताया जा रहा है कि लंबे समय से ये लोग कई लोगों के मोबाइल छीन कर पहले भी कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं और आज ये लोग फिर से घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, जिन्हें समय रहते पकड़ लिया गया। आपको बता दें कि पकड़े गए अभियुक्तों को थाना सिडकुल ले जाया गया, जहां उनसे पूछताछ भी की जाएगी। उत्तराखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।